गुड मॉर्निंग 12th क्लास चैप्टर 5 स्टडी कर रहे हैं हम और काफी चैप्टर कवर हो चुका है ये। आज हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस को समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे कि क्या है क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है चेंजेस। मैं टॉपिक लिख देता हूं, टॉपिक नेम है क्रोमोसोमल एब्रेशन। हाँ बच्चों, व्हाट आर द क्रोमोसोमल एब्रेशंस? द चेंजेस इन क्रोमोसोम, the changes in chromosomes are called chromosomal aberrations. These are of two types. First is the structural chromosomal changes. और सेकंड जो टाइप्स हैं वो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस। बच्चों ध्यान से देखिए, देर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस या एब्रेशन, चेंजेस को एब्रेशन कहते हैं, एंड सेकंड इज द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस इंटरेस्टिंग है, इनमें क्रोमोसोम की कोई स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, कोई जीन या एलील है वो चेंज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस कहते हैं। सेकेंड जो है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या कम हो जाना किसी कारणवश से, ड्यू टू द डिफेक्टिव सेल डिवीजन। डिफेक्टिव सेल डिवीजन के कारण से किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस कहते हैं। ये पूरे के पूरे सेट के फॉर्म में भी चेंज होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन लेते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस। बच्चों यहाँ पर मैं डायग्राम्स भी बना रहा हूँ, तो वो आप एक रफ कॉपी लेके बैठे हैं। एक्चुअल में डायग्राम आप देख देख के बनाएंगे तो आप कम से कम उस दौरान बोर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जब तक डायग्राम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लेते हैं डिलीशन। डिलीशन ये बच्चों मैंने एक लाइन डायग्राम में सपोज करो, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, दिस वन इज द नॉर्मल क्रोमोसोम, ऐसा मानते हैं हम, ठीक है। अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम में आप ध्यान से देखिए, ये इनका सेंट्रोमियर है, ये क्या है, इनका सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के एक तरफ ये एलील्स हैं, एलील्स को मैंने नेम दे दिया है ए बी सी डी ई, एंड इस तरफ के जो एलील्स हैं उनको भी नेम दे दिया है एफ जी आई एफ जी एच आई जी, ठीक है। अब डिलीशन दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो है टर्मिनल डिलीशन,
बच्चों इस डायग्राम को देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम को देखिए, फिर टर्मिनल डिलीशन को देखिए। टर्मिनल डिलीशन में आपको एक एंड पर ए और बी एलील्स नहीं नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो मान लो कोई क्रोमोसोम है, उसका एक एंड जो है वो कट के अलग हो गया, सेपरेट हो गया वहां से, ठीक है ना, और वहां पर जो एलील थे वो भी वहां से रिमूव हो गए। तो अगर वो किसी एक किनारे से हो रहा है तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। तो नेचुरली वो जो एलील जो डिलीट हो गए हैं, हट गए हैं, एक तो इसे डिलीशन कहते हैं, क्रोमोसोम के किसी पार्ट का, किसी सेगमेंट का अलग हो जाना, उसे हम कहते हैं डिलीशन, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो ट्रेट्स हैं, जो कंट्रोल होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, वो अब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और एक और टाइप है, वो है इंटरस्टीशियल डिलीशन। यस बच्चों, लुक एट द बोर्ड। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या हुआ है कि जैसे ए और बी एलील नजर आ रहे हैं आपको, सी और डी यहां से रिमूव हो गए हैं। तो इसे बिटवीन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच में से कोई सेगमेंट अलग हो गया है, वहां के एलील रिमूव हो गए हैं, तो फिर बेटा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टीशियल डिलीशन कहेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में। एब्रेशंस का मीन होता है चेंजेस, तो क्रोमोसोम्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखे जा सकते हैं एंड न्यूमेरिकल चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट डिलीटेड, और वो वहां से रिमूव हो सकता है या इन्वर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में अगर चेंज आती है तो उसे हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। इसका फर्स्ट जो टाइप है वो डिलीशन है। क्या है डिलीशन है? इसका मतलब क्रोमोसोम के किसी पार्ट का डिलीट हो जाना, ठीक है। अगर वो किनारे से होता है, एंड से होता है, तो इसे कहते हैं टर्मिनल डिलीशन, और अगर बीच में से होता है तो इसे कहते हैं इंटरस्टीशियल डिलीशन। नेक्स्ट लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन को बेटा ध्यान से देखिए आप। यस बच्चों ध्यान से देखिए, इन्वर्जन का मीन ये होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट वहां से रिमूव हो गया और वापस से वो किसी और जगह अटैच हो गया, ठीक है। तो इसे हम इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि उसका जो लोकेशन है, उसकी जो साइट है, वो चेंज हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो सपोज करो बच्चों, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और इसके ये एलील्स है ए बी सी डी ई, फिर सेंट्रोमियर, फिर एफ जी एच आई जे। अब पैरासेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर के एक तरफ अगर इन्वर्जन हो, एक तरफ अगर चेंजेस हो, तो उसे हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जैसे कि ए बी C
फिर सी यहाँ से हट गया, सी कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, और डी ई आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ये सेंट्रोमियर के एक तरफ पॉसिबल होता है, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या कहता है कि अगर मान लो जैसे कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहां पर देखिए आप ए बी सी, फिर डी यहां से हट गया, डी सेंट्रोमियर को भी क्रॉस करते हुए यहां चला गया, और यहां जो जी था वो यहां आ गया, यानी कि अगर जो एलील है या क्रोमोसोम का सेगमेंट है अगर सेंट्रोमियर को भी पार करके दूसरी तरफ अगर अटैच हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या कहेंगे? पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। और नेचुरली इससे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है। थर्ड लेते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों कि किसी क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट वहां से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और वो वहां से हटके किसी और क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। क्योंकि कुछ एक जो जीन्स है वो वहां पर रिपीट हो जाते हैं, जो एलील्स हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पर एलील देखिए ए बी सी डी ई एफ, फिर सेंट्रोमियर जी एच आई। अब डुप्लीकेशन कैसे होगा ये देखिए, ए बी सी डी ई, सी डी ई एफ, फिर जी एच आई, ओके बच्चों। यहां देखिए आप, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, मतलब यहां पर एक सेगमेंट क्रोमोसोम का और अटैच हो गया है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। हाँ जी, यहां देखिए बच्चों ये जो एलील है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां देखिए ए बी सी डी ई अगेन सी डी ई, यहां पर एक सी डी ई का जो सेगमेंट है वो और आके अटैच हो गया,
तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, जो हमने डिलीशन पढ़ा, डिलीशन पढ़ा हमने, तो डिलीशन के अंदर हमने ये देखा कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो जाता है, हट जाता है, कट जाता है, वहां से अलग हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में कई बार बच्चों के अंदर एक बीमारी देखी जाती है जिसे हम कहते हैं क्राई डू चेक सिंड्रोम। उस डिजीज का नाम क्या है? क्राई डू चेक सिंड्रोम। ये बच्चों में होता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जब रोते हैं, बीमारी का नाम याद रख लो आप, क्राई डू चेक सिंड्रोम। ऐसे बच्चे जब रोते हैं बच्चों, तो वो बिल्ली जैसी आवाज में रोते हैं, कैट लाइक आवाज जो साउंड है उसके अंदर वो रोते हैं। ये क्यों होता है? कि जो पांचवां क्रोमोसोम है, जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, उसका कोई सेगमेंट डिलीट हो जाता है, और उस वजह से फिफ्थ क्रोमोसोम के सेगमेंट के डिलीट होने से जो बच्चा है वो अबनॉर्मल होता है, और वो क्राई डू चेक सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है, एंड जब भी वो रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज में रोता है। तो ये मैं एक बताना चाह रहा था आपको। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों, आप सबसे मैं यही कहूंगा कि अब से आप रेगुलर रहें, क्योंकि 12th बोर्ड है, और बोर्ड हो ना हो ये सब बात की बातें, बोर्ड होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप सब आगे 12th के बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, मेडिकल में भी जाएंगे कई बच्चे और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे, नर्सिंग करेंगे। तो इसलिए हमको 12th की बायो को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चों ने 11th में भी लापरवाही की थी, लेकिन अब नहीं बेटा, अब बिल्कुल भी आपको अनअवेयर नहीं रहना है और रेगुलर रहना है क्लासेस के अंदर, नो डाउट आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, डी लेते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बच्चों दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशंस पॉसिबल है, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, समझाने में आसानी रहेगी। और
यस 12th क्लास लुक एट द बोर्ड. ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसके ऊपर जो एलील हैं वो है ए बी सी डी ई, फिर सेंट्रोमियर, फिर जी एच आई जे के, ये एलील हैं. ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो एलील हैं वो है पी क्यू आर एस टी, सेंट्रोमियर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि किसी एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में एक्सचेंज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं. या किसी एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो वहां से अटके किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो जाता है, तो इसे भी हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे. अब यहां देखिए आप, ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पी क्यू आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ का जो ए बी वाला पार्ट है वो यहाँ चला गया. अब बाकी सब नॉर्मल है, सी डी ई जी एच आई जे के, यहाँ भी ए बी, फिर बाकी नॉर्मल है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. और एक दूसरा जो टाइप है वो ये है, बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. ट्रांसलोकेशन में जैसे कि ये जो क्रोमोसोम था उसका जो ए बी सेगमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो गया है, अब वो चला गया है यहाँ पर. यहाँ देखिए पी क्यू, फिर ए बी यहाँ अटैच हो गया, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. तो इस तरीके के चेंज को हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टीशियल ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो ये जो चार टाइप थे, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये तो टाइप थे स्ट्रक्चरल चेंजेस के. अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाना. ठीक है, तो ये डिफेक्टिव सेल डिविजन के वजह से होता है. चलिए इस डायग्राम को आप देख लें एक बार, जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं अपन. सेकेंड हम लेते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस.
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल चेंजेस क्या हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस में मैं आपको फर्स्ट जो टाइप बताऊंगा वो है यूप्लॉइडी। अब ये यूप्लॉइडी क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल चेंजेस के अंदर क्रोमोसोम का पूरा सेट है वो कम या ज्यादा हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम का नंबर एक ज्यादा या दो ज्यादा या एक या दो कम हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम टाइप ले रहे हैं यूप्लॉइडी। इसको मैं बता दूं आपको कि जो हैप्लॉइड सेट है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का। तो जो हैप्लॉइड सेट है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड कंडीशन को हम एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं, स्मॉल एन से। तो यूप्लॉइडी का मतलब ये है कि किसी प्लांट में या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या जनरली प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैप्लॉइड सेट है, एक पूरा का पूरा जो सेट है वो या तो डबल हो जाए मतलब बढ़ जाए, या वो कम हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी कहते हैं। तो गेहूं के पौधों में ये देखा जाता है। तो अगर मान लो पूरा का पूरा एक, अगर पूरा का पूरा सेट ही डबल हो जाए तो इसे हम कहते हैं मोनो, नहीं सॉरी, अगर पूरा का पूरा सेट कम हो जाए, अगर पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ही कम हो जाए, इसको यूं ले लेते हैं, मान लो किसी में 46 क्रोमोजोम है तो पूरा का पूरा सेट कम, यानी कि 23 क्रोमोजोम ही रह जाए, तो उसे हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। एक पूरे के पूरे जीनोम का, पूरे के पूरे हैप्लॉइड सेट का कम हो जाना, दिस इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। दिस इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। अगर पूरा का पूरा सेट जो है मोनोप्लॉइडी होने पर क्या हो जाएगा? एन कंडीशन हो जाएगी। पॉलीप्लॉइडी होने पर क्या होता है कि उसमें पूरा का पूरा एक हैप्लॉइड सेट डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, मतलब एक या दो पूरे के पूरे सेट बढ़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो गेहूं के अंदर 3N, 4N, जो वीट है वीट के अंदर 3N, 4N, जनरली जो नॉर्मल कंडीशन 2N होती है, डिप्लॉइड होती है, जबकि गेहूं में 3N, 4N, 5N एंड 6N हेक्साप्लॉइड जो किस्में हैं वो भी ऑब्जर्व की गई हैं, और इससे जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट के अंदर वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए फटाफट से बच्चों इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी हम देख लेते हैं, एन यूप्लॉइडी। अब ये एन यूप्लॉइडी क्या है? हाँ बच्चों एन यूप्लॉइडी में, एन यूप्लॉइडी में एक या दो क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं नंबर में। जब मान लो किसी के 46 है तो 47 हो गए, 48 हो गए, या 46 है तो 45 रह गए, तो इसे हम क्या कहते हैं? एन यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन यूप्लॉइडी कहते हैं। और ये दो तरीके की, ये कितनी कितनी टाइप की? दो टाइप की है। एक तो है हाइपोप्लॉइडी, हाइपो प्लॉइडी, हाइपो प्लॉइडी। हाइपो प्लॉइडी में भी दो कंडीशन है, एक तो है मोनोजोमी, टू एन माइनस वन, और एक है नलीजोमी। टू एन माइनस टू, और एक है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में एक तो कंडीशन है ट्राइजोमी, टू एन प्लस वन, और एक है टेट्राजोमी।
2n plus 2 और एक है डबल ट्राइजोमी। यस 12 प्लस ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एन्यूप्लॉयडी की। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक या दो नंबर का इंक्रीज हो जाता है या एक या दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, तो इन्हें एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, हाइपोप्लॉयडी एंड हाइपरप्लॉयडी। जो हाइपोप्लॉयडी है, हाइपो मतलब कम होना, यानी कि एक या दो क्रोमोसोम का कम हो जाना, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोप्लॉयडी। और एक या दो क्रोमोसोम का ज्यादा हो जाना, इसे कहते हैं हाइपरप्लॉयडी। हाइपोप्लॉयडी में दो कंडीशन है, अगर एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है सेल डिवीजन के दौरान तो इसे हम कहते हैं मोनोजोमी, और इसे 2n-1 से शो करते हैं। अगर दो क्रोमोसोम्स की कमी आती है तो इसे हम कहते हैं नलीजोमी, ठीक है, 2n-2 कंडीशन कहते हैं। सेकंड है हाइपरप्लॉयडी, हाइपर मतलब ज्यादा होना, ठीक है ना, तो एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ना, अगर एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो इसे कहते हैं ट्राइजोमी, 2n+1। टेट्राजोमी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं टेट्राजोमी, 2n+2 से शो करते हैं। और दो अगर हिट्रोलोगस डिफरेंट क्रोमोसोम अगर बढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं डबल ट्राइजोमी, क्या कहते हैं, डबल ट्राइजोमी, और इसे 2n+1+1 से शो करते हैं। डबल ट्राइजोमी को किससे शो करते हैं, 2n+1+1 से शो करते हैं। तो 12th क्लास आज इतना ही करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज तक के टॉपिक में, आज की क्लास में अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें, ठीक है।